अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब। तो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल आपने लाजिम देख लिया होगा कि ऐसा कॉइन जो आपको वाकई मिलियनेयर कर दे लेकिन फौरन किसी सूरत भी नहीं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले की बात है, मैंने आपसे इन्फ्लेशन को लेकर के एक वीडियो शेयर की थी और आपको बताया था कि दुनिया के हर ममालिक में तेज़ी से बढ़ती हुई इन्फ्लेशन और डी वैल्यू होता हुआ पैसा, उसका क्या हल है। सो, आज की वीडियो में भी मैं आपको कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और फिर इस दौर में जो जिस वक्त से हम सभी इस वक्त गुजर रहे हैं, अगर हम आज के दौर में सही सिलेक्शन या सही फैसला नहीं करेंगे तो यकीनन हमारी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा टोटल लॉस में चला जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला वक्त आज से कुछ बेहतर हो तो डेफिनेटली दोस्तों, उसके लिए हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आज सिर्फ हवाओं में गुजार दें और कल आप उसका फल पाना चाहें। जाहिरी बात है, अगर आज आप अपना वक्त ज़ाया कर देंगे, कोई अच्छा फैसला अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर के नहीं करेंगे तो यकीनन कल आपकी इन्वेस्टमेंट 100% ज़ीरो होने का ख़तरा होगा। तो दोस्तों, दोनों सूरतों में अगर आप सही फैसला नहीं करते तो भी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगी और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी रह गई तो भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसी मौजू पे मैं आगे चल कर के आपसे बात करने वाला हूँ कि हमने क्या करना है और कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को दुगना भी करना है और बचाना भी है। तो मेरे साथ रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्रेश हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर देना है ताकि हमारी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। तो दोस्तों, आगाज़ करते हैं हमारे सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट है कौन सा कॉइन बाय किया जाए जो आपको वाकई ही मिलियनेयर बना दे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी मैं आज आपको ऐसा कॉइन नहीं बताने वाला जो मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है या मार्केट में लिस्ट होने के बाद पंप होने जा रहा है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर और उसी के ऊपर सारी प्लानिंग मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि आने वाले वक्तों में आपने कितनी अमाउंट बिटकॉइन में इन्वेस्ट की होगी तो आपका जो सरमाया है वो दुगना हो सकता है। यानी कि लाखों रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट के एक तरफ और 1,00,000 रुपया आपका एक तरफ, शायद वो आने वाले वक्तों में आपके लाखों रुपए जो आपने बिल्कुल साइड पे लगा कर रखे हैं या उसकी कोई भी ऐसी चीज़ बाय कर रखी है जो आपको लगता है कि दुगनी हो जाएगी, लेकिन उनमें से चंद पैसे अगर आपने बिटकॉइन में लगा दिए तो आपका पैसा डबल हो सकता है। कैसे, इसके ऊपर तफसीलन में आगे चल करके आपसे बात करने वाला हूं। इससे पहले कि दोस्तों मैं मज़ीद आपको बिटकॉइन की सूरत हाल की तरफ लेकर जाऊं, कैसे ये वर्क करेगा, कैसे और कहां पर आपने बाइंग करनी है, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई इन्फ्लेशन जो आपके पैसे को ख़त्म कर रही है, दीमक की तरह चाटती ही चली जा रही है और आपको शायद आप में से कई दोस्तों को इस बात का यकीनन एहसास ज़रूर होगा, लेकिन बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको शायद कैश पड़े हुए पैसे से बहुत ही प्यार है और उन्हें लगता है कि ये पैसा उनकी ज़िंदगी है और यही उनको प्रॉफिट देगा। चाहे वो बैंक में रखवाने की सूरत में आपको थोड़ा सा पैसा मिल सकता है या आपको लगता है कि आप कोई छोटा मोटा कारोबार करके अपना पैसा दुगना कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी खासी अमाउंट सेव पड़ी है तो उसका सिर्फ 10th हिस्सा मतलब 10th हिस्सा अगर आप क्रिप्टो की इस करेंसी में यानी कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर देते हैं तो यकीनन आपको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों, यहां पर एक सोच आती है कि जी डी वैल्यू तो क्रिप्टो करेंसी भी होती है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें यहां पर सिर्फ पाकिस्तानी रुपये का, तो यहाँ आपने अपने माइंड में सिर्फ एक बात रखनी है कि एक मरतबा डॉलर आपने देखा पाकिस्तान की इकोनॉमी की नस्बत, वो आपको स्टार्ट में यानी कि 2000 में या 1998 की बात करते हैं तो उस वक्त डॉलर आपने देखा होगा पाकिस्तान में 30 रुपये का। उसके बाद आपने दोबारा उसको रिवर्स होते नहीं देखा। आज आप 2022 में सांस ले रहे हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में मौजूदा हालात में डॉलर क्या दोबारा 30 रुपये पर आ सकता है। लेकिन बिटकॉइन की सूरत हाल क्या है, वो कैसे रिवर्स होता है, अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ ताकि आपको पता चले कि बिटकॉइन कितनी दफ़ा डीवैल्यू हुआ है और कितनी दफ़ा उसने अपनी पोजीशन हाई लेवल पे पहुंचाई है। तो दोस्तों, आपके लिए मैंने बिटकॉइन का जो चार्ट है पिछले 7-8 साल का वो मैंने ओपन कर लिया है और आपको मैं कुछ ख़ास चीज़ें आज दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, जिससे आपको एहसास होगा और आप ख़ुद भी चाहें तो बिटकॉइन के चार्ट को जाकर स्टडी करें। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ईयर्स कौन से चल रहे हैं। 2014 के ईयर से हम आगाज़ करते हैं, आज हम बैठे हुए हैं 2022 में। अब यहाँ पर लगभग
8 साल का अरसा है। आपने कभी ज़िंदगी में देखा कि कोई भी करेंसी डी वैल्यू होकर वैल्यू क्रिएट कर जाए? अब मैं आपको यहाँ पर एक ख़ास चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पिक्चर यहाँ से स्किप कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के प्राइस कहाँ से अबव जाते हैं, ये देखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $145 कहाँ तक एक लंबे अरसे तक बिटकॉइन के प्राइस आपको देखने को मिले, यानी कि मैं इसे $3 पे देख चुका हूँ बिटकॉइन को, ठीक है। और ये जो रिकॉर्ड आ रहा है इस वक्त कॉइन मार्केट कैप का, ये सिर्फ 2014 तक का है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉइन मार्केट कैप के पास बाय फिजिकल या बाय रिटर्न इस वक्त रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ 2014 का मौजूद है, लेकिन मैं इसे 2010 से जानता हूँ पर्सनली। और 2010 में बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, और उस वक्त ये $3 से $7 के दरमियान लोग आपस में ही मोबाइल के थ्रू लेन देन कर लेते थे। इतनी इसकी कोई वैल्यू या इसको समझा नहीं जाता था। यहाँ पर एक बड़ी इसकी जंप आती है दोस्तों 2018 से पहले, लगा लें आपके 2017 का अख्ताम था। अब 2017 से लेकर आज हम जी रहे हैं इस वक्त 2022 में, और 2022 का भी आधा साल गुजर चुका है। प्राइस कहाँ जाती है दोस्तों? सबसे पहले 2018 में आप देख सकते हैं कि 20,000 पे। आज हम कहाँ पे खड़े हैं? दोबारा से 2018 में आ चुके हैं। तो यानी कि ये हुआ कि हम इस वक्त बिटकॉइन के प्राइस को लेकर 4 साल पीछे चले गए हैं। 4 साल पीछे वाली प्राइस पर हम आ चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि ये अगर यहाँ पर आके हम खड़े हो गए हैं तो दोबारा हम यहाँ पर आ सकते हैं $145 पे? तो दोस्तों अगर $145 पे मार्केट आ जाती है फिर तो क्रिप्टो की दुनिया वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद क्रिप्टो की तरफ कोई मुंह नहीं मोड़ेगा, लेकिन ऐसा होने का नहीं है, इसलिए कि सारी दुनिया और सारे इन्वेस्टर ऐसा होने ही नहीं देंगे। रही बात प्रेडिक्शंस की, देखें प्रेडिक्शनर्स को या तो किसी की पूछ हो तो वो मुंह से बात निकालते हुए अच्छे लगते हैं, जब किसी को पूछ ही नहीं है तो जिसके मुंह में जो आता है वो बकवास कर सकता है। सो यहाँ पर 10,000 तक की भी मार्केट में आवाज़ आम मिलती है कि जी 10K तक आपको बिटकॉइन देखने को मिलेगा। तो अगर आप नहीं बाय करना चाहते 20,000 पर तो आप 10K पे बाय कर लीजिएगा। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद 2018 का अख्ताम होता है तो 2020 में एक मरतबा बिटकॉइन जो है 10K का लो लगाता है। यहाँ से 20 डाउन जाते जाते 5, फिर यहाँ पे 10। 10K का लो लगाने के बाद हम देखते हैं कि 2020 का अख्ताम आता है। 21 के आगाज में मार्केट ऐसा शूट पकड़ती है कि आप देख लें कि मार्केट ने क्या किया, ये आपके सामने है। तकरीबन 69,000 का हाई लगा, यहाँ पे 60,000 का 2 टाइम हाई लगा। उसके बाद यहाँ पर ये मार्केट 50,000 पे कोई 50 दफ़ा खड़ी रही, और इस वक्त हमें बिटकॉइन की प्राइस जो है वो 20,000 के लगभग देखने को मिल रही है। अब हम आते हैं दोस्तों अपने मौजू पे वापस। अब आपने क्या करना है कि आप हों या मैं हूँ, बड़ी ये खुशकिस्मती है कि हमें आज के दौर में बिटकॉइन दोबारा से 20,000 पे देखने को मिल रहा है। मैं उनकी सोच की भी कदर करता हूँ कि जो सोचते हैं और मानते भी हैं कि जी बिटकॉइन 10,000 पे जा सकता है, ओके आप 10,000 पे बाय कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास आने वाले वक्तों में बिटकॉइन ना हुआ तो फिर क्रिप्टो की दुनिया में आपका सारा गुजरा हुआ वक्त मिट्टी हो जाएगा। अभी भी मेरे नज़दीक दुनिया की जो अच्छी खासी आबादी है उसका सिर्फ 8वां या 7वां समझने के हिस्सा, या समझने 7-8% लोग अभी क्रिप्टो में इन हैं, क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया इस चीज़ से डरती है कि ये रेगुलर होगी कि नहीं होगी, रेगुलेट में कोई मसले मसाइल की खबरें चलती रहती हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया पर छा कर रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। और क्रिप्टो के मानने वाले जो दोस्तों लोग हैं उनकी एक अपनी सोच है। अच्छा, इसके लिए ये भी नहीं है कि मैं इसको स्टडी करता हूँ और आपसे इसके व्यूज़ वगैरह शेयर करता हूँ तो मैं इसका प्रमोटर बन गया हूँ, मेरा इसमें ज़ीरो इंटरेस्ट नहीं है आपको बताने में। लेकिन आने वाले वक्तों में दोस्तों अगर आपके पास गोल्ड, प्रॉपर्टी और बिटकॉइन ना हुआ, इन तीनों में से एक चीज़ भी ना हुई, तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 30 रुपये पे डॉलर का आना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि 30 पे आता है तो पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, दूर दूर तक अभी दिखाई नहीं दे रहा, और तेज़ी से आपके पास आपका पड़ा हुआ पैसा मिट्टी हो रहा है बिल्कुल। सो मैं समझता हूँ कि अगर आप एक बहुत बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट के मालिक हैं तो उसका सिर्फ 10%
आपके पास बिटकॉइन की शक्ल में होना चाहिए, और बिटकॉइन वाहिद कॉइन होगा दोस्तों जो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉफिट दे सकता है। मान लेते हैं कि आप आधा आधा बिटकॉइन खरीद लेते हैं, आधा इस वक्त $10,000 का है, ना खरीदें आप 20,000 पे, आप वेट करें। मेरी आपको सजेशन है आप क्रैश का वेट करें, क्योंकि मार्केट में क्रैशेस के चांसेस पूरे पूरे आज के दौर में मौजूद हैं, क्योंकि ड्यूरिंग ड्यू टू द इन्फ्लेशन, पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई इन्फ्लेशन इस वक्त क्रिप्टो पे बहुत ज़बरदस्त असर अंदाज हो रही है। लेकिन जब इन्फ्लेशन होते 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 इंतहा को पहुँच जाएगी तो दुनिया क्रिप्टो की तरफ ही आएगी। आज भी एक एनालिसिस होने के नाते मैं देख रहा हूं कि दिन ब दिन क्रिप्टो की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, और ये आज भी गूगल जाके आप करके देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे तेज़ी से फैलता हुआ कारोबार है। लॉस भी है इसके अंदर, इवन के मैं आपको छोटे किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा दे रही हूं। आप भाड़ में झोंके सारे ऐसे कॉइन्स को, जैसे कि जितने भी छोटे कॉइन हैं, आपने सिर्फ बिटकॉइन बाय करके रखना है, चाहे 10%, 20%, 50% या 100%। और इसके पार्ट्स आपने कैसे बाय करने हैं ये मैं पहले भी बता चुका हूं। और मान लें कि आप 20,000 पे बाय नहीं करना चाहते, आप यही स्ट्रेटजी जो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं, उसका लिंक आपको इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो आप 15,000 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 20,000 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप 10,000 पे भी जाके अप्लाई कीजिएगा। लेकिन मेरी आपको रिक्वेस्ट होगी कि BTC को बाय करने का मौका मत गवाइएगा। यही वो चीज़ होगी दोस्तों जो आपकी इन्फ्लेशन का मुकाबला करने की ताकत को बढ़ाएगी। नंबर 1 गोल्ड, नंबर 2 प्रॉपर्टी, एंड नंबर 3 इज़ बिटकॉइन। इजाज़त चाहता हूँ अपना, बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।